हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको चावल के पापड़ बनाने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। बिना भाप के, बिना बेले आप इसे बस 15 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चावल के पापड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पतीले में 1 कप चावल का आटा ले लेंगे और इसी कप से हम नाप कर 4 कप पानी डाल देंगे इसमें। तो देखिए, हमने यहाँ पर 4 कप पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स ना रहे। तो देखिए, पानी और चावल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे आपको लगातार चलाना है, नहीं तो चावल तुरंत ही जाके तले पर चिपक जाएगा और जलने लगेगा। तो देखिए, इसे लगातार चलाते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है और जो घोल था वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, एकदम से ड्राई होने लगा है। तो इसमें अभी हम और पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हम और पानी डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम 4 कप और पानी डाल देंगे। तो पहले भी हमने 4 कप पानी का इस्तेमाल किया था और अभी हम 4 कप पानी डाल रहे हैं, तो टोटल हमारा हुआ 8 कप पानी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 1 कप चावल के लिए आपको 8 कप पानी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके चावल के ऊपर और जो गैस की फ्लेम है उसके ऊपर। अगर आप तेज़ आंच में इसे पका रहे हैं तो जल्दी जल्दी पानी ख़त्म होने लगेगा, तो आपको इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर चलाते हुए 10 मिनट हो चुका है। अभी चावल थोड़ा सा कच्चा है तो इसे हम और थोड़ा सा पका लेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप गैस की फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे तो आपको पानी ज़्यादा लगेगा, जल्दी जल्दी ये सूख जाएगा और चावल ठीक से पकेगा नहीं। तो आपको गैस की फ्लेम यहाँ पर लो रखना है और इसे धीरे धीरे पकाना है आपको। अगर आप इसे अच्छे से नहीं पकाते हैं तो चावल का जो पापड़ है टूटने लगता है और अच्छा क्रिस्पी भी नहीं बनता है। तो आपको इसे अच्छे से पका लेना है जब तक चावल अच्छे से पक न जाए। तो देखिए, हमारा जो चावल है अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अभी बहुत ही गर्म है ये और ठंडा होने के बाद देखिए, अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है इससे ज़्यादा ही ठीक हो जाएगा ये। तो हम 5 मिनट तक इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो पापड़ फैलाने के टाइम आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसे हम पूरा ठंडा नहीं करेंगे, 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम पापड़ को फैलाने के लिए एक प्लास्टिक की सीट को हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक की सीट के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लिया है और प्लास्टिक को हम अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि पापड़ सूखने के बाद अच्छे से निकल जाए। तो देखिए, हमने यहाँ पर अच्छे से तेल से इसे ग्रीस कर लिया है और इधर थोड़ा सा जो घोल था वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, कारी पत्ता डाल सकते हैं या फिर अजवाइन डाल सकते हैं। जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा कलौंजी और चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसके साथ। तो देखिए, पापड़ का जो घोल है पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये परफेक्ट है अभी फैलाने के लिए और थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसे फैला लेंगे। तो थोड़ा सा हम घोल को ले लेंगे चम्मच की हेल्प से, इसे हम डोसा की तरह फैला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पापड़ फैला लिया है। आप चाहे तो बड़ा पापड़ भी बना सकते हैं, तो आपको बस बैटर को थोड़ा बड़ा फैलाना है। आपको इस तरीके से मोटा लेयर में पापड़ को फैलाना है ताकि प्लास्टिक की सीट इसमें दिखाई ना दे और सूखने के बाद अपने आप ही पतला हो जाता है थोड़ा सा। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से सारे पापड़ को फैला लिया है। अब इसे हम धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे 2 दिन तक धूप में रखा था। अगर कड़ा धूप है तो आप इसे 1 दिन में भी तैयार कर सकते हैं। तो
देखिए पापड़ हमारा तैयार है, बिल्कुल सूख चुका है, ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए और एक साल तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इसे पंखे की हवा में सुखा रहे हैं तो आपको इसे बाद में सूखने के बाद इसे फिर से एक दिन के लिए धूप दिखा देना है, ताकि ये जो पापड़ है अच्छे से आप लॉन्ग टाइम तक इसे स्टोर कर सकें। देखिए कितना परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम फ्राई करके भी दिखा देते हैं आपको। तो बस देखिए हमने यहाँ पर पापड़ डाला, फटाफट से ये बनकर तैयार है। तो देखिए कितने अच्छे से फूल भी रहा है पापड़, बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार हुआ है। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे भाप में पकाना है या फिर ना ही आपको बेलना है। बस फटाफट से घोल को तैयार कीजिए और 15 मिनट तक आप इसे पका लीजिए लो फ्लेम पर। बस आपका पापड़ तैयार है। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।